अर्जुन ने इतनी जोर से कैटी से राणा को पत्थर मारा है प, प, पर कैटी में तो कोई पत्थर है ही नहीं अब आप कहोगे कि भाई राणा जी को तो पत्थर लगा था तो भाई राणा जी की तरफ ये बंदा पास से ही प्यार से पत्थर फेंक रहा है अबे दोनों आंखें खोल कर कौन स्नाइपिंग करता है ठाकुर जी ने दारू मांगी है तो ये ढक्कन खोले बगैर ही डाली जा रहा है तूने फिल्म को सब्सक्राइब नहीं किया या किया? नहीं किया मैंने नहीं, नहीं किया। तो कर साथ में बेल आइकन दबा लाइक कर, कर। वीडियो का शेयर भी कर इस सीन में अ वेट अबे गलत करण अर्जुन तो डाउनलोड नहीं कर ली ना यहाँ करण अर्जुन सिर्फ इन पत्थरों को खींच कर लेकर जा रहे हैं मतलब बाकी जितने भी मजदूर हैं वो सब ऊँटों की मदद से लेकर जा रहे हैं पर बस इन दोनों को पता नहीं क्या चूल मची है जो खुद ही लेकर जा रहे हैं क्या हो सकता है कि इनके ऊँट भाग गए हूँ करण अर्जुन दोनों भाई इतने मेहनती है की पहले इनके पीछे इतने ज्यादा पत्थर थे पर जैसे ये इतना जोर लगाते लगाते ऊपर पहुँचे तो पीछे वाले पत्थर इतू से रह गए मतलब भी पत्थर गिराते आ रहे थे ये सब मजदूर अपनी मजदूरी लेने खड़े हैं तो भाई आम नॉट रेसिस्ट पर इनकी शक्लें देखो आप लग रहे हैं ना कि इन्होंने सारा दिन धूप में काम करके मजदूरी की है और अपने करण अर्जुन भैया को देखो आप लिटरली जो बंदे आराम से ऊंट के साथ बांध कर पत्थर लेकर जा रहे थे वो ऐसे दिख रहे हैं और जो बेचारे जोर लगा लगा कर इतनी धूप में पत्थर लाए वो इतने ज्यादा चमक रहे हैं अब यार मैं सर्फ से भी मुंह दू तो मैं इतना नहीं चमकता जितना ये बीस साल से धूप में मजदूरी करके चमक रहे हैं करण अर्जुन भागे भागे रेस लगाते माँ की चूड़िया लेकर आते हैं तो जब यहाँ से टाब में लगते हैं तो यहाँ अंदर कोई भी नहीं खड़ा और जब ये जंप लगाते हैं तो एकदम इनकी माँ की टांग आ जाती है जबकि पहले यहाँ कोई नहीं था hmm, जो और इनके घर की दीवारें इतनी छोटी हैं कि कोई भी टाप कर अंदर आ जाए तो ये दरवाजा क्यों लगा है पता लगाओ दया अलग वैसे अब तो खेत भी पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं पहले जमाने के लगता है लोग खेतों में नहीं हकते थे क्योंकि यार कितनी खामोशी हो रही है यहाँ ओवे अर्जुन जब तो अपना टैलेंट दिखा के इस मटके में छेद कर देता है तो ये मटका सूसू करना चालू हो जाता है तो करण एक छोटा सा मग लेकर जाता है जो की मटके के पास जाकर बड़ा हो जाता है फिर ये वापस अपने माँ भाई के पास लाता है तो ये फिर छोटा हो गया फिर छोटे से मग को जब माँ पकड़ती है तो तो ये फिर बड़ा हो गया वैसे यार इट्स ऑकवर्ड कि दे टर्नी ना और अभी भी इनकी माँ ने बैक यार्ड में लेकर गई कि मेरे सामने ही खेलो और फिर ये दोनों रेसे लगा रहे हैं और फिर ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं कि ये कहीं खोई ना जाए नहीं मतलब कमोल आंटी जी ये दोनों उनतीस साल के हैं यार करण अर्जुन के लोग गले में रस्सी डालकर खींच रहे हैं और जैसे घोड़े पर इन्हें खींचते हुए लेकर जा रहे हैं तो रस्सी तो इनके बादओं के नीचे बंधी हुई है अर्जुन इस चिड़कुल को खींचता है तो ये उड़ के गिरता है और नीचे से घोड़ा निकल के आगे चला जाता है और जैसे कैमरा अर्जुन पर दोबारा आता है तो घोड़ा तो एकदम उसके पीछे ही खड़ा हुआ है और फिर ये सब करण अर्जुन को तलवारों से मार रहे हैं पर आवाज मुक्को की आ रही है ठाकुर आता तो करण अर्जुन को तलवार मारने लगा है तो इन तलवारों के बीच में गैप देखो और करण अर्जुन के बीच में देखो ऐसे तो ये तलवारें इनके सरों पर लगनी चाहिए ना पर ठाकुर जी ने तो पता नहीं ये तलवार अपन को तो समझ नहीं आ रही आप लोगों को कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताना और यहाँ करण अर्जुन मरे हैं तो वहाँ एकदम से इनका दूसरा जन्म भी हो गया और जन्म भी लगता है एकदम नहा कर लिया वेट व्हाट अबे डॉक्टर अंकल कोई रहा है कोई रंडी है अब करण पार्ट पार्टू बड़ा हो गया है और फाइटर बन गया है जो अपने किक के हवा से ही दूसरे बंदे को नॉकआउट कर देता है पर भाई एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जब भी करण भैया इस चिटुट को मुक्का मारते हैं तो इसके बालों से इतना ज्यादा पानी गिरता है लगता है सारा मूनसून का पानी इसके बालों में जमा हो गया क्या आंटी बीस पच्चीस साल से लगी हुई है की मेरे करण अर्जुन आएंगे जमीन की फाड़ के आएंगे अरे घोचू उसमें सेंसर करने वाली क्या बात थी अच्छा तो ये आंटी कह रही है आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे अरे आंटी को शादीवादी करोगी तो आएंगे ना आए। वो तो दूसरा जन्म हो गया तो बाय चांस आ गए पर पूछना बस ये था कि अगर इस फाइट में करण अर्जुन भैया फिर मार जाते तो क्या ये आंटी फिर अगले 20-25 साल तक लगी रहती कि मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे दूसरी तरफ अर्जुन पार्ट टू भी बड़ा हो गया है और फुटबॉलर बन गया है बस इतना फर्क है कि अर्जुन भैया इंसानों को किक मार के फुटबॉल की तरह उड़ाकर गोल करते हैं नहीं मतलब सीरियसली ब्रो ऊपर से जब ये बॉडी गार्ड आ रहा होता है तो कार का ट्रंक बंद है और अर्जुन ने किक मारी तो ये तो पहले से खुला हुआ है इस में सोनिया आकर कहती है अच्छा कैसे रही थी जैसे बड़ी एक्सपर्ट है वाह भाई मतलब थोड़ा सा निशाना आजू बाजू हो जाता तो अपने बाप का मुंह फोड़ के कहना था इसने की प्रैक्टिस कर रही हूं। लगता ही नहीं यहाँ ठाकुर जी जा रहे होते हैं तो इनके सामने करण अर्जुन भैया की अमी जान आ जाती है और यहाँ लिटरली दूर दूर तक कोई भी नहीं है पर जैसे ये लोग उन्हें उड़ाने लगते हैं तो ये बाबा पता नहीं कहाँ से निकल आया करण अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए फाइट करने जाता है पर मार वहाँ कोई और ही खा रहा है क्योंकि ये सल्लू भाई है ही नहीं अब यार फाइटिंग छोड़ो ये बताओ की इस भाई ने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है जैसे स्कूल के टॉयलेट से होकर आया हो और ये अपनी शर्ट स्टेज पर उतारते हैं जो की सारी फाइट में स्टेज पर ही पड़ी हुई है फाइट खत्म हो गई है पर अभी भी छे ही पड़ी हुई है पर जब ये जाने लगते हैं तो यहाँ ऐसी जा रहे हैं अरे करण भैया किसी और शर्ट उठा कर जा रहे हो आप करण फिर अंकल लेकर हॉस्पिटल जाता है तो हिज फादर इज ऑलरेडी डेड पर फिर करण जब अगले दिन पैसे वापस करने आता है तो करण का फेस तो एकदम चकाचक सही भी हो गया और फिर कहीं और फाइट हुई है तो पेड़ से निशान पड़ गए मुँह बट अगले दिन फिर सही हो गए बट डूड नहीं नहीं आई मीन करण भैया बताओ ना आपने कैसे किया ये यार बताओ ना मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ गजब बेजती है सोनिया का बाप सोनिया के मंगेतर को लेने एयरपोर्ट आता है तो उसका मंगेतर कहता है सुने दिखाने के लिए वो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है हाँ सोनिया बेसब्री से कर तो रही है पर वो इंतजार नहीं है अब यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सोनिया बार बार नीचे क्यों चली जाती है फिर, फिर अपने अर्जुन भैया शर्मिंदा होकर ऊपर उठाते हैं कि, कि ना ना पाओ ना छुओ में मुंह घुसा लिया अरे दीदी क्या खा लिया जो ऐसी हरकतें कर रही हो ऐसा तो फिल्मों में ही होता है कि एक तीले से अगला बंदा रोमांटिक हो गया अपनी बंदी के साथ मैंने ऐसा किया तो साली इतना हंसी के दांत में फसा धनिया नजर आ गया मुझे इसलिए में करण भैया इस लड़की को कहते हैं है शक्ल भी से लड़की दिखती है? और वो ये चेक करने में चली गई कि भाई मैं लड़की हूँ ना लाइक <laughs> सीरियसली like, इतनी बड़ी हो गई है और इसे अभी तक गई नहीं कंफर्म और उसके बाद लड़की इसने जोर ढुमके मारे जोर ठुमके मारे आई मीन I mean, अपने करण भैया इतने दूर लेटे हैं और ये अकेले ढुमके मारी जा रही है नहीं भाई जस्ट इमेजिन इनके आप पहाड़ पर लेटे हो और दूर किसी लड़की को ऐसे करते देखो और अपने करण भैया इतने सख्त लौंडे हैं की एक बंदी ढुमके मारती मारती उनके पीछे आ रही है और ये बस जाये जा रहे है जाये जा रहे है अफ्रीका के जंगलों में पहुंच गए फिर जंगलों से समंदर के बीच में पहुंच गए पर अभी भी, भी जा जा ही रहे अरे करण भैया आखिर कर जाना कहाँ पर है आपने औ, 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 और वेट अरे भाई ये दोनों चलते चलते यहाँ कैसे पहुँच गए क्योंकि आजू बाजू तो ना कोई कश्ती है और ना ही कोई बोट है एक्सप्लेन प्लीज अर्जुन सोनिया को कहता है सोनिया मैं तुम्हें सिर्फ ये कांच की चुड़ियाँ पहना सकता हूँ सोने की नहीं हाँ सोनिया महलों की रानी तो मैं सड़कों की धूल हाँ हाँ हर बॉयफ्रेंड जब मजे पूरे ले लेना तो ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बहाने ढूंढता है भाई ये स्पैंकिंग करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि मैं गरीब हूँ मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए इस अंकल को गोली लगी है तो इन्होंने दिल पर हाथ रख लिया अरे अंकल गोली तो हाथ पर लगी है वो पकड़ो ना सोनिया तो के पिताजी उसके हाथ को मोड़ वोड़ कर जबरदस्ती उसे इस फंक्शन में लाते है की किसी को पता नहीं चलेगा पर पीछे ये आंटिया देख भी रही है पर फिर भी तालियां बजा रही है वाह भाई ये अंकल आकर अर्जुन को गोली मारते तो करण उसे बचा लेता है वो तो सही है पर एक गोली पीछे भी किसी को नहीं लगी को पुलिस जब लेकर जाने लगती है तो ड्राइवर ये अंकल है पर गाड़ी जब रास्ते में होती है तो ये तो कोई मूठो वाला बंदा ड्राइव कर रहा होता है अर्जुन जब करण को बचाने के लिए अपनी कैटी से निशाना मारता है तो क्लियरली नजर आ रहा है की ये निशाना ड्राइवर और डरे हुए अंकल के बीच में लग रहा है पर जैसे कैमरा अंदर से आता है तो ये तो ड्राइवर ही फुड़क गया ड्राइवर इज डेड ना और जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो ये तो अभी भी ड्राइविंग करता जा रहा है और जैसे जीप इस पेड़ से लगती है तो इस जीप में तो कोई है ही नहीं नहीं भाई लिटरली इंजन भी निकाल लिया इन्होंने जीप उड़ाने से पहले Hum. <muchos> दुबोला जादू इस फिल्म में ये दोनों काम गन्ने बेचने का करते हैं पर करण अर्जुन पार्ट पार्टो को मारने आया तो तलवार उठा कर ले आए इस सीन में ठाकुर लिंगिया के एकदम सामने खड़े हैं और लिंगिया ये चिट्ठी सोनिया की तरफ फेंक रहा है पर फिर भी इन्हें नहीं दिखता चलो माना के नहीं दिखा होगा पर ये आंटी तो एकदम सामने बैठी है ना तो इन्हें भी नहीं दिखा क्या और चिट्ठी में कोई पत्थर छत्थर नहीं है बल्कि सिंपल पेपर है फिर भी थ्रो इतनी ऊपर तक गई है सोनिया के पास नीचे हथियारों की स्मगलिंग चल रही है और ये सब ऊपर किसी पहाड़ पर चढ़ देख रहे हैं मतलब ये एंगल देख लो कि पीछे ट्रक खड़ा हुआ मतलब ये लोग फ्रंट साइड पर खड़े हैं पर जब नीचे ये नाचने वाली लड़कियां आती हैं तब फ्रंट पर तो दूर दूर, दूर तक कोई पहाड़ है ही नहीं पहाड़ क्या ये जो घास निकली हुई है ना वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और ये लोग एकदम रेगिस्तान के सेंटर में स्मगलिंग कर रहे हैं क्यूँकी आजू बाजू रेत ही रेत है पर ये ट्रक रेगिस्तान में कैसे ले आये क्यूँकी इतनी ज्यादा रेत में ये ट्रक तो चल नहीं सकता ठाकुर जी ने दारू मांगी है तो ये ढक्कन खोले बगैर ही डाली जा रहा है और ठाकुर ने भी टिलवाए बगैर ग्लास आगे कर लिया इस दिन में शमशेर और नहा ने इन बच्चों को किडनैप कर लिया है तो निशाना देखो कैसे लगा रहे है। दोनों खोल कर स्नाइपिंग करता है। को बचाने आते हैं तो कहते हैं गए। बच्चों को छोड़ दो। अरे भाई इन्होंने बच्चों को पकड़ा कहा हुआ है बच्चे तो वहाँ दूर खड़े है ना तो इन्हें मारो और बच्चों को ले जाओ पर ये दोनों बस एक ही बात कही जा रहे बच्चों को दो बच्चों को छोड़ दो शेर और करण अर्जुन को रस्सी के साथ बांध कर लेकर जा रहे हैं नो 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 वेट अ मिनट इन दोनों ने खुद ही रस्सी पकड़ी हुई है अब यहाँ जीप रोक कर ये लोग लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते पहाड़ी के इतने ऊपर से नीचे गिरते हैं और नीचे आके करण अर्जुन एकदम जीप में से तलवारें निकाल लेते हैं जबकि जीप तो पहाड़ी के ऊपर खड़ी की थी और एकदम से घोड़े भी नीचे आ गए ऊपर से दोनों की टाइमिंग चेक करो मरने की आहा, क्या आवाज इसी में बंदा कहता है दोनों में झगड़ा हो गया होगा और एक दूसरे को मार के झुड़क गए होंगे अच्छा हुआ मर गए साले। और ठाकुर जी मान भी लेते हैं अब यार दोनों लड़ते लड़ते क्या एक दूसरे के गले में हार डाल के भी मर सकते हैं क्या नहीं <laughs> इस मूवी में सोनिया इतनी संस्कारी है कि अकेले रूम में दुपट्टा लेकर रखती है और घर से भागने के टाइम ऐसे कपड़े पहन के भाग रही होती है राना जी गाँव वालों को ढूंढ रहे हैं पर सब गाँव वाले छतों पर लेटे हैं पर फिर एकदम सब ये बर्तन मारने लग जाते हैं जबकि इनके पास तो कोई बर्तन थे ही नहीं अर्जुन ने इतनी जोर से कैटी से राना को पत्थर मारा है पर वेट कैटी में तो कोई पत्थर है ही नहीं आप अब आप कहोगे कि भाई राणा जी को तो पत्थर लगा था तो भाई राणा जी की तरफ ये बंदा पास से ही प्यार से पत्थर फेंक रहा है इसी में करण इन घोड़ों के लिए जाल बिछाता है पर जब वो जाल में फंस जाते हैं तो वो नकली घोड़े बन जाते हैं नहीं मतलब लिटरली इनकी आंखें देखो अर्जुन के पीछे भी घोड़े लग गए हैं पर अभी भी अर्जुन भैया खाली कैटी से निशाना लगा रहे हैं अरे अर्जुन भैया बीच में कोई पत्थर छत्तर तो डाल लिया करो भाई करण की उन लड़ाई हो रही है तो ये चिड़कुट आता है और अपनी तलवार अपनी पार्टनर के बगलों में घुसा देता है अब अभी भी बगलों में लेकर ही फिर रहा है चलो मर गया है तो अभी भी बगल में घुसाई हो ये तलवार अब करण भैया के पास एक और घोड़ा आया है तो घोड़े को रोककर उसे मुक्का मार डाला अरे भाई घोड़े ने क्या बिगाड़ा था आपका उसके ऊपर वाला जो चिड़कुट है उसे मारना था ना अच्छा ये छोड़ो इस बंदे के पास एस एम जी गन है इतनी सीरियस लड़ाई चल रही है लोग पर लोग मर रहे हैं पर लिंगिया के काम देखो जरा नहीं, 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 किस एंगल से फनी है करण अर्जुन ने राणा जी के सब बंदों को मार दिया है और यहाँ राणा जी के पास क्लियर चांस है की करण अर्जुन को मार दे पर नहीं पास बुलाकर ही मारेंगे तो दूर से एटलीस्ट हाथ पैर पर गोली तो मार दो ना राणा जी गोली मारते हैं तो करण अर्जुन अपने हाथ आगे कर लेते हैं अच्छा मैं समझ रहा था कि हाथ में छेद हो गया होगा पर ये लगता धरम्पा जी के फैन है ये जस्ट लाइक गोली खाने के बाद इसके हाथ में कुछ भी नहीं हुआ लिटरली गोली का निशान भी नहीं आया और एंड पर दुर्गा माँ राणा जी के मुंह पर हार मारती है और वैसे ही वो नीचे गिर जाता है पर जब राणा जी गिरते हैं तो हार तो एकदम सही से सेट होगा तो पड़ा हुआ नीचे खैर आजकल बस इतना ही वीडियो तो को वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो और फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना क्यूँकी फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबा डाला तो लाइव Not be to go